ऑडिटोरियम में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि गीता जीवन जीने की कला है और प्रत्येक व्यक्ति को गीता ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। युवा पीढ़ी गीता से कठिन परिश्रम और कर्म करने का संदेश लेकर जीवन में अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि गीता ने पूरी मानवता को कर्म करने का संदेश दिया है और यही देश और समाज के उत्थान का आधार है। उन्होंने जिला स्तर पर गीता महोत्सव के आयोजन की शुरुआत करने के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों से आज विश्व स्तर पर गीता संदेश की चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां और भ्रम की स्थिति पैदा होने पर गीता ही व्यक्ति का सही मार्गदर्शन कर सकती है और व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। उन्होंने गीता जयंती के अवसर पर ज्ञान वर्धक प्रदर्शनी तथा बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक, हमारी सामाजिक, हमारी हर तरह से भूमिका को निभाया, आज हम गीता जयंती जब 2014 से पहले कुरुक्षेत्र की एक धरा पर सिमट कर रह गई थी और हमारे हरियाणा का गौरव, हमारे हरियाणा का इतिहास जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, विश्व स्तर पर हरियाणा के इस इतिहास को गीता जयंती के तौर पर मनाया जाता है। हरियाणा का एक गौरव रहा है कि इनमें गाथाओं का एक प्रदेश है जिसमें अनेक ऐसे, मैं कहूँ कि ऐसे कार्य हुए कि आज भी हमें याद करके रोमांचित होते हैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने वीरों के प्रति। और गीता का उपदेश तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसा एक वाणी है जो कि समस्त प्राणी मात्र के लिए है। गीता ना केवल एक ग्रंथ है पर एक जीवन जीने की कला है जिससे हमें यह अनुभव मिलता है। और मैं कहूँ आज के इस जीवन में जब हर कोई एक अर्जुन की भूमिका में है, भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले जो संदेश अर्जुन को दिया था, आज हर मानव को उस संदेश की जरूरत है और वो संदेश के तौर पे आज गीता जयंती मनाई जाती है। और हमारे आदरणीय बड़े पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी जिस तरह से इसे पूरी धरा पर पूरे प्राणियों के लिए आज प्रेरणा के स्रोत बनकर गीता जयंती को और गीता जी को घर घर में, घर घर का श्रृंगार बनाने के लिए आज जिस तरह से कार्य कर रही हैं, आज बहुत सारे संत महात्मा इसमें आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया कि आज हम अपने जिलों में, अपने प्रदेश में और विशेष तौर पे अभी हमारे APRO साहब ने बताया कि गीता जयंती को अभी हमने मॉरिशस में मनाया और मॉरिशस के उस धरा पर लगा कि एक छोटा भारत वहाँ पर सिमट कर आ गया।
डी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद